गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू मटर टमाटर और प्याज की एकदम बेहतरीन सी चटपटी सी सब्जी। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चार आलू लेने हैं। अगर आपके फैमिली में कम पर्सन हैं तो आपको चार से पांच आलू ले लेने हैं और एक कटोरी भर के मटर ले लेना है, दो टमाटर, एक प्याज, दो हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ और हरी धनिया। फिर उसके बाद आपको लेना है कोरिएंडर, सॉल्ट, गरम मसाला एंड ये सब्जी मसाला का पैकेट अगर ऐसे आपके पास हो तो, एंड ये जीरा। रेसिपी के लिए हमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी चाहिए होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं आधे मटर इसमें डाल दिए हैं हमने, आलू को काट के रख लिया है और आधे मटर इधर रख लिए हैं। अभी इनको हम पीसेंगे और ये जो लहसुन है, लहसुन और ये अदरक और इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मटर को पीस लिया है एंड देन यहाँ पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट बना के रख लिया है, आलू को कट करके रख लिया है एंड ये प्याज और मिर्च भी कट करके रख लिया है एंड देन ये जो सारे मसाले थे वो भी रख लिए हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सो दैट इट रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये जीरा लिया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिया है गरम होने को। यहाँ पर अभी हमारा जो ऑयल है वो हीट होना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर लिए जीरा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इसलिए थोड़ा सा लिया है, आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें डाल दिया है। फिर इसके बाद में ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसको इसमें डाल दिया है। अच्छे से पकाएंगे। जो प्याज है वो लाइट ब्राउन कलर का होने लगा है सो इसके बाद हम लोग जो मसाला तैयार किया था हमने वो ऐड करेंगे इसमें। ऐड करेंगे अपना मसाला, अच्छे से चलाएंगे, इसको पकने देंगे। अभी इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आने लगा जैसे ये आप देख पा रहे हैं। सो अभी इसमें हम अपना जो ऐड करेंगे वो है मटर जो कि हमने पीस के रखा है। एंड इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे इसी के साथ में। अच्छे से ये पक चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे आलू और मटर। फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। हम लोग ऐड करेंगे 1 कप वाटर। 1 कप या 2 कप आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो चलिए अब वेट करते हैं इसके पकने का एंड ऊपर से, और जो हमारे टमाटर है वो इधर रखे हुए हैं, अभी इनको हमने कट करके नहीं डाला बिकॉज पहले अगर हम लोग डाल देते हैं टमाटर को तो हमारे जो आलू रहते हैं वो अच्छे से पकते नहीं है। सो टिल देन वेट करते हैं और हमारी जो सब्जी है उसको चलिए ढक देते हैं इससे और इसको बनने देते हैं। हमारे आलू आधे पक चुके थे सो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड अभी इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। फाइनली हमारी सब्जी रेडी हो चुकी जैसे कि आप देख रहे हैं एंड इसको मैंने कढ़ाई से निकाल के इसमें डाल दिया था अलग इसमें, और इसमें ये जो धनिया हमने कट करके रखी है उसको ऐड करेंगे, से चला देंगे। बस हमारी जो सब्जी है वो हो चुकी है रेडी। अब अच्छे से बनाइए, खाइए और क्या है, और एकदम मज़े लीजिए सब्जी के बिकॉज ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। सो स्टे ट्यून गाइस मेरी न्यू रेसिपी वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।